काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक जैसे मोहब्बत है, जी लोग मोहब्बत करते हैं, बाद में ब्रेकअप हो गया या छोड़ दिया या किसी जी वजह से भी, लड़की हो या लड़का, जी जी तो उसको भुलाना कितना आसान होता है या भुलाया जा सकता है? और अगर फॉर एग्जांपल भूल गया वो, वैसे तो ऐसा नॉर्मल सुनने में नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर भूल गया तो दोबारा से इंसान मोहब्बत की तरफ जा सकता है? देखिए नुमैर भाई, अगर आपका जहन खाना भूल सकता है, सोना भूल सकता है, और अगर आपका जहन काम को भूल सकता है, तो किसी इंसान को भी भूल सकता है, ठीक है। लेकिन अब मसला वाला क्या होता है, हमने सिर्फ अपने जहन को सर एक चीज़ समझाई होती है। आपको पता है, आप अगर अपने जहन को बार बार कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं, तो आपका जहन उसको मजाक में नहीं लेगा, आपका जहन सीरियस लेगा, उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर देगा, ठीक है। और सर, आपके माँ बाप ने आपको किसी के पीछे रोने के लिए पैदा नहीं किया सर। जिंदगी ने कभी भी ये शर्त नहीं रखी मैं इस बंदे के बगैर रह नहीं सकती, मैं इस बंदे के बगैर गुजर नहीं सकती, जिंदगी गुजर जाती है, ठीक है। और सर, मोहब्बत के बाद इसको बुलाना आसान है, लेकिन सिर्फ उस बंदे के लिए आसान है जिसको ये पता है कि यार मैं कोई खिलौना नहीं, कि कोई भी आए मुझे तोड़ के जला दे, जिसको को फर्क नहीं पड़ता उसके पीछे मैं रुल जाऊँ, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता उस इंसान को। और सर, दूसरी मोहब्बत कहते हैं कि एक मोहब्बत को बुलाने के लिए दूसरी मोहब्बत, तो मैं कहूँगा यस, ठीक है। नफ्सियात आपको ये कहती है आपने अगर मोहब्बत को बुलाना है आप दूसरी मोहब्बत करें, लेकिन जरूरी नहीं वो दूसरी मोहब्बत इंसान से हो। बिल्कुल सर, आपके पास पेट्रोल है, एक गाड़ी वाले ने चवल मार के आपको निकाल दिया है, अब आप पेट्रोल अपने पास रखेंगे तो आग लग जाएगी। सर, आपको दूसरी गाड़ी चाहिए, लेकिन वो दूसरी गाड़ी इंसान की नहीं है, वो दूसरी गाड़ी आपके पैशन की हो सकती है, वो दूसरी गाड़ी आपके एम की हो सकती है, हालात की हो सकती है। बिल्कुल सर। सर, प्यार और गुस्सा ये दो दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। सर, प्यार में इंसान वो काम कर जाता है जो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। सर, फिर आप दुनिया को जला के दिखाएंगे वाकई मेरे में को आग थी, मेरे में ईंधन था। आप करें दूसरी मोहब्बत, लेकिन वो दूसरी मोहब्बत इंसान को छोड़ दे, फिर आप उससे प्यार करें जो आपसे प्यार करता है। सर, जिस बंदे को आप कहेंगे ना मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, वो हमेशा आपके आगे लग के भागेगा। बिल्कुल ऐसे है, मतलब ये तो एक नेचुरल चीज है ना, ये हो जाती है। बिल्कुल सर, भुलाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले आपने अपने जेन को ये तसल्ली देनी है कि यार वाकई सर दुनिया का कोई डॉक्टर उस बंदे का इलाज नहीं कर सकता जो अपना इलाज करवाना नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसे ही है।